हेलो गाइस, वेलकम टू थंडर कस्टम। सो आज होने वाला इरांगल फिर से डे फोर इरांगल का मैच। सो देखते हैं आज के मैच पे कौन सा टीम चिकन डिनर लेते हैं। अभी राइट नाउ 57 बंदे अभी भी रूम पे है, अभी स्टार्ट होगा मैच। सो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू थंडर कस्टम्स। सो फिर से होने वाला है थंडर कस्टम्स आज। सो देखते आज क्या होता है। और आज 67 बंदे लॉबी पे, इरंगल का मैच है डे फोर, और प्लेन पाथ नोबो से लेके क्वेरी तक। देखते क्या होता है आज। तो बंदे लोग तो उतरने लगे नोबो पे भी और ड्रॉप लेने लगे। जो लोग अपने अपनी ड्रॉप लोकेशन पे जाना स्टार्ट कर दिया, सब लोग अपने अपनी ड्रॉप लोकेशन पे। तो देखते हैं आज के टीम मैच में कौन सा टीम चिकन डिनर लेते हैं। मे बी कल से स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगा, सो स्टे ट्यून। फिलहाल तो देख लेते किधर किधर कौन सी टीम उतरे थे। इधर दो बंदे खेल रहे हैं आईएनएफ की, इधर थंडर की टीम मिल्ट्री बेस के आसपास जाते हुए। मिल्ट्री बेस पे दो स्क्वाड है, नोबो पे शायद एक फाइट हो सकता है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। इधर नोबो पे एसएस की टीम, इधर फाइट होना स्टार्ट भी हो गया। किधर हो गया स्टार्ट फाइट, शायद नोबो पे हुआ। चलिए थोड़ी ऊपर से देख लेते हैं क्या है हालात। और इधर रिवाइव भी हो गया, पर एसएस को एपीएम से मैंने बहुत अच्छा इम्पोर्ट की स्प्रे के साथ नॉक जरूर करे है, और थोड़ा प्रेशर है जरूर करेगा क्योंकि ब्रो M416 है ना उसके पास, कुछ तो करेगा ना। थोड़ा जरूर तंग करने की कोशिश, पर इधर 15 नंबर टीम भी आ गया, थोड़ा तटपटी करेगा जरूर, थोड़ा ये लोग भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देख लेते हैं ऊपर से थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। एक फिनिश ऑफ किल चोरी क्या होगा इधर। हाँ जरूर किल चोरी होगा, किल चोरी होगा एपीएम से, नहीं किल चोरी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, किल चोरी नहीं होगा। और इधर एसएस को पर गया भाई, पर गया। इधर 1 HP पे बच्चे सर्वाइव करके शॉट गन लेके, भाई 1 HP है, देखते हैं शॉट गन लेके क्या कर सकते हैं। सामने स्मोक करके एपीएम से जा रहा है, देख लेते हैं। और एक बहुत ही बुरी तरह से मर गया, नहीं कर सकते। इधर टीममेट किधर है उनका पता नहीं, उन लोग का टीममेट शायद ऑफलाइन है, मे बी नोबो पे ही है सर। नोबो पे क्या, नहीं ऑफलाइन तो नहीं है, पता नहीं इतना दूर क्यों आए अपनी स्क्वाड से, ये तो पता नहीं भाई। पर इसे इधर ख़त्म होते हुए, और इधर पोचिंग के भी फाइट होता है, मिलिट्री में भी फाइट होगा। थोड़ा 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 ओवरव्यू देख लेते, कोचिंग की में देख लेते क्या हो रहा है। कोचिंग की में एक बंदा नॉक है राइट नाउ, दो बंदे नॉक है। सो देखते क्या इधर पुशअप होगा, थोड़ा एक एम का स्पेस जरूर देखने को मिलेगा। इधर देख लेते ऊपर से एक बार क्या हालत है। इधर छत पे चरे बैठे हैं बंदे लोग, छत पे चरे समझ रहे हो, नेडिंग हो रहा है। अपने टीममेट में थोड़ा प्रेशर है जरूर होगा क्योंकि दो बंदे नॉक है, शायद रिवाइव भी नहीं हो सकता अभी, फिलहाल तो नहीं होगा, कोशिश भी नहीं करेगा। और इधर कुछ नहीं कर सकते, इधर दोनों को मरते हुए देख लेते। दो बंदे तो मर जाएगा इधर, और इन लोग को भी समझ आ गया कि रिवाइव करने का कोई बंदे नहीं है। टीम नंबर 14 को देख लेते एक बार, सब लोग अपनी अपनी जगह पे कैंपिंग कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहा है। कोई भी अभी फाइट नहीं ले रहा फिलहाल, तो नेडिंग भी हो रहा है भाई, ये बंदा तो ऑफलाइन है। तो 3v2 है राइट नाउ क्योंकि ये बंदा तो ऑफलाइन है। और इधर थोड़ी बचने की कोशिश, पर ये पहले करना चाहिए था, ये पहले करना चाहिए था ब्रो।
फिनिश अप तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। एक बार थंडर की टीम को भी देख लेते, थंडर की टीम फिलहाल तो इधर मिलिट्री ब्रिज में भी फाइट हो रहा है, देख लेते क्या हो रहा है मिलिट्री ब्रिज में। एक फिनिशिंग पॉइंट निकल चुका है और फाइट हो रहा है, ओबी को देख लेते, ओबी क्या कर सकते थे। फिलहाल सामने एक बंदा नॉक है, रिवाइव भी हो जाएगा 21 की टीम, तो कोई बात नहीं। पर इधर मदारा को नॉक, मदारा ने नॉक फिनिश कर दिया, अपने टीममेट को बदला ले लिया। पर एक बंदा 1v3 सिचुएशन राइट नाउ, क्या करेगा, क्या लगता है क्या करेगा? एक मॉली करने की कोशिश ज़रूर करेगा पर उधर कोई नहीं है, नो आइडिया कि बंदे लोग किधर है। शायद उसको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, उसको ये ज़्यादा बेहतर होता। अब देख लेते क्या ही करेगा। 3v1 सिचुएशन, स्पॉट किया बंदे को और एक बहुत गंदा आगा, बहुत ही गंदा आगा। मे बी एक एम में 3x के लिए आगा, पर इधर मॉली करने की कोशिश, 1v2 सिचुएशन, थोड़ा लीड हो गया बंदा। अब क्या करेगा, इधर एग्रेसिव मोड पे आते हुए और इधर फिनिश अप ज़रूर हो जाएगा। एक बंदा फिर भी अच्छा खेला, एक बंदे को नॉक किया। इधर देख लेते और किधर किधर फाइट हो रहा है पोचिंग की। इधर फ्रैगी क्रेप, फ्रैगी थंडर, थंडर एक्स क्रेप का टीम इधर राइट नाउ जॉर्जो सिटी में लूट रहे, कोई बंदे नहीं आया फिलहाल तो। जॉर्जो फूल में, जॉर्जो फूल सिटी में बंदे हैं। और इधर थंडर की, थंडर की सेकेंड लाइनअप की स्क्वाड जो है थंडर 360, अभी रोटेशन देते हुए अपना, तो ये लोग तो चला जाएगा मुझे छोड़ के। तो चलिए बाकी बाकी बंदे को देख लेते। सो नोबो पे एक बार देख लेते क्या हुआ है। नोबो पे थोड़ा एपीएम 7 की स्क्वाड थोड़ा फॉल बैक करते हुए पीछे से गाड़ी लेकर जरूर भागने की कोशिश जरूर करेगा, पर इधर 22 का एंगल तो ज़रूर होगा। सो नोवो पे एक फाइट तो थी 3 स्क्वाड का, पर फाइट हुआ नहीं। अच्छा थोड़ी स्पॉट करने की कोशिश, सामने एक बंदा है, देखते क्या होता है। फिलहाल तो पुश करते हुए शायद इधर एक फाइट होगा, 1v1v3 सिचुएशन राइट नाउ। और इधर ख़त्म कर दिया एपीएम 7 ने, कुछ नहीं कर सकते, अकेला बंदा था कुछ भी नहीं कर सकते। पर इधर और एक फाइट चल रहा है, वो फाइट भी देख लेते किधर फाइट चल रहा है। इधर थंडर के साथ फाइट चल रहा है, देख लेते एक बार क्या हो रहा है। फिलहाल तो 0 फिनिशिंग पॉइंट, बट इधर थंडर के साथ टीम INF का फाइट हो रहा है। और इधर जरूर ओमेगा को डाउन करेगा टीम INF, कर दिया। डीबीज लेके बैठा है फिलहाल, देखते क्या कर सकते। 2v3 सिचुएशन, 2v2 सिचुएशन राइट नाउ। अब P2OP को भी देख लेते, और इधर पीतो ओपी को भी ख़त्म कर दिया। अभी टैम क्या कर सकते हैं, टैम एक को नॉक फिनिश कर दिया। इवन नेक्सस अकेला बंदा क्या करेगा, नेक्सस वर्सेस टैम 1v1 राइट नाउ। नेट भी हक दिया बंदे ने,
नहीं नहीं ढगा है क्या पता नहीं। और इधर डीबीएस से निक्सस को खत्म करते हुए टैम इधर पर अपनी दो बंदे को भी खो चुका है। तो क्या ही कर सकता है, पर डीबीएस के सामने कोई भी बंदा टिक नहीं सकता। और जब आप डीबीएस चलाना जानते हो तो सबसे बेहतर भाई, क्लोज में कुछ नहीं कर सकते। पर इधर ओमेगा और पीटू भी खत्म हो गया, 3B स्क्वाड खेल रहे थे। इधर अल्फा पांडे मतलब लॉस लीजियन का टीम भी थोड़ा तटपटी करने की कोशिश जरूर कर रहा था, पर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सका। शायद टैम को भी निकल जाना चाहिए इन लोग के बीच में, क्योंकि अगर इसका फुल स्क्वाड आ गया तो फिर फेल दिया जाओगे भाई तुम लोग। तो चलिए देखते हैं बाकी टीममेट को क्या हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, क्या फाइट तो अभी नहीं दिख रहा। हाँ एक जरूर फाइट होगा नोबो में, तो लेट्स सी क्या होता है। और इधर नॉक फिनिश जरूर हो जाएगा अभी एपीएम से, रिवेन को देख लेते हैं सामने जा रहा है। फिलहाल तो एक बंदा को रिवाइव जरूर देगा, पर सामने आ रहा है और ख़त्म। एपीएम से मैंने बचा लिया भाई, सिक्स फिनिश पॉइंट के साथ नोवो में क्या ही फाइट हुआ भाई। एपीएम से मैंने बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया भाई, सिक्स फिनिश पॉइंट भाई, ओपी ओपी। सो फिलहाल तो इधर टैम अभी भी जिंदा है, पर टैम के ऊपर अल्फा पांडे की फुल स्क्वाड में भी दिस इज लॉस लीजियन, यस दिस इज टीम लॉस लीजियन ने पुश कर दिया। अकेले बंदे में चार बंदा घुस गया है भाई, और टैम इधर की टैम में टैम का गांड फट रहा है भाई। सॉरी भाई एब्यूज किया भाई, सॉरी इसके लिए माफ़ कर दे, पर इस सिचुएशन में भाई क्या ही कर सकते। पूरा लॉस लीजियन का टीम इधर पुश कर दिया सामने थंडर। टैम 1v4 क्या कर सकता है गाइस। थंडर टैम ने अगली गेम प्ले में बहुत अच्छा खेला कल की कस्टम में। सो आज की कस्टम में देखते हैं टैम क्या कर सकता है। वही डीबीएस एंड M249 रेडी हो रहा है, टैम इधर क्या कर सकता है। ऊपर गया टैम, उन लोग को भी पता चल गया कि बंदे के पास डीबीएस है। क्या पुश करेगा डीबीएस की अगेंस्ट, मैंने बोला था कि निकल जाना चाहिए था टैम को। अभी 1v4 सिचुएशन, 1v4 नेडिंग हो रहा है, फुल बूम बम नेडिंग हो रहा है टीम टपाटप की तरह। पर इधर क्या टैम सरवाइव करेगा, अगर ये टैम क्लच कर दे हो भी सकता है, पर कुछ कह नहीं सकते। मुझे तो लगता है नहीं होगा, क्योंकि लॉस लीजेंड टीम बहुत अच्छा टीम है। एक बंदे को जरूर नॉक किया डीबीएस ने, पर इधर डाउन खत्म कर दिया भाई। 1v4 नहीं होता भाई, क्योंकि लॉस लीजेंड है अच्छा टीम। पर इधर लॉस लीजेंड ही है ना अल्फा मंडे का, पता नहीं मैं भी लॉस लीजेंड। ओके सो इधर टैम तो खत्म हो गया, अभी थंडर की दूसरी स्क्वाड को भी देख लेते हैं। थंडर हो रहा है सिर्फ आजकल, तो थंडर की दूसरी स्क्वाड अभी रोटेशन देते हुए सामने, पर कोई बंदा तो नहीं है। और इधर थंडर के और एक स्क्वाड किधर है, इधर है भाई, मर गया क्या, नहीं मरा। सो ये लोग फिलहाल, ये लोग भी रोटेशन देते हुए अभी फिलहाल तो जॉर्जो सिटी को अच्छी तरह से लूट लाट के जा रहा है। सो अभी तो फिलहाल कोई फाइट नहीं हो रहा, पर एक फाइट हो सकता है ज़रूर। सामने अल्फा पंडित की स्क्वाड के सामने से जा रहा है एक स्क्वाड, इधर थोड़ा ग्लिचिंग इशू हो रहा है। फाइट जरूर होगा, मुझे लगता है होगा, नहीं होगा होना तो चाहिए। सामने से गाड़ी जा रहे है, वो लोग बोल रहे गाड़ी जा रहा है, क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए फाइट स्टार्ट हो गया है, थोड़ा
थोड़ा टीपी भी लेने की कोशिश है, नेट जरूर करेगा पर नेट फ्लॉप नहीं हुआ भाई। प्रिंस को क्या ही नॉक डाला भाई, क्या ही नॉक डाला। अभी 3v4 सिचुएशन, क्या पुश करेगा तीन बंदे 3v3 राइट नाउ। बहुत अच्छा मौका है इन लोग के पास, एक बहुत अच्छा कवर फायर पर उनकी बंदे को भी उनने पेल दिया भाई, गाड़ी बोल के भाई। ये कैसा गेम था भाई पता नहीं। इधर प्रिंस जरूर रिवाइव हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड बैड लक गाइस, दिस इज कॉल्ड बैड लक। सो रिवाइव हो गया, अभी फोर मैन फिर से बन गए, पर सामने स्क्वाड, सामने एक बंदा बाइजोन लेके क्या करेगा। ये फाइट तो चलता रहेगा फिलहाल, दूसरी फाइट को दे लेते फिर से। थंडर वर्सेस थंडर हो गया क्या? हाँ थंडर वर्सेस थंडर हो गया मे बी, क्योंकि इधर थंडर की दूसरी टीम आ रहा है सामने। सोपी नॉक है, विंटॉक्स पुश कर रहा है भाई। ये फाइट तो भाई बहुत डेंजरस होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत डेंजरस है भाई। थंडर वर्सेस थंडर वन मोर टाइम गाइस, लाइक कर दो गाइस, लाइक कर दीजिए। एक बंदे को जरूर नॉक करेगा जरूर, पर गिरीश को बहुत रिफ्लेक्स के साथ विंटॉक्स ने नॉक कर दिया। थंडर थंडर 3v4 सिचुएशन राइट नाउ। लेट्स सी, गिरीस खत्म हो गया, सोपी रिवाइव हो गया। इधर फ्रैगी का एक एंट्री फ्रैगिंग नेट, फ्रैगी क्या कर सकता है देख लेते हैं, पर फ्रैगी का नेट कभी भी कनेक्ट नहीं होता, ये भी एक सही है। सो चलिए, क्या फ्रैगी इधर नेट से नॉक कर सकता है, क्या लगता है आपको? थंडर वर्सेस थंडर हो रहा है, थंडर थंडर एक्स क्रेप वर्सेस थंडर डोमिनेशन। सो लेट्स सी क्या होता है। इधर जोकर, जोकर को देख लेते, जोकर एक साइड एंगल लेके बैठे, पर इधर एक दूसरी स्क्वाड जरूर मजा लेगा इस गेम का। हाँ ये कौन सी टीम है? K4S। ये टीम जरूर थर्ड पार्टी करने की कोशिश। थंडर डोमिनेशन के ऊपर थोड़ा स्पेशलाइज करते हुए पीछे एक स्मोक कर, राका को देख लेते, राका क्या कर सकते हैं। शायद राका थोड़ा स्पॉट करने की कोशिश कर, क्या ही करेगा इस सिचुएशन में, क्या करेगा। विंटॉक्स भी जाने वाला नहीं है, नेट के ऊपर नेट हो रहा है पर एक भी कनेक्ट नहीं हुआ फिलहाल। तो अल्फा पांडे भी नॉक डाउन हो गया। सो इधर पुश करने की डिसाइड हो रहा है, इधर पुश करेगा एक्स मैन को देख लेते हैं। इधर टीपीपी लेते हुए सामने एक एम लेके विंटॉक और जोकर और टाइटन तीन बंदे ले पुश कर रहा है। इधर फ्रैगी भी आ गया, थोड़ा डैमेज जरूर दिया इधर, इधर टोपी को डाउन कर दिया। राका ने टाइटन को डाउन किया, राका को भी डाउन करके फिनिश अप कर दिया। राइट नाउ एक्समैन और इधर एक्समैन को भी खत्म कर दिया विंटॉक्स ने भाई। थंडर वर्सेस थंडर भाई, मजा आ गया भाई। इन लोग को भी पता है कि इधर एक फाइट हो गया है, सो इन लोग जरूर पुश करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो इन लोग का दो बंदे नॉक है, एक बंदा रिवाइव भी हो गया। सो इधर APM7 निकल गया है लोग फिलहाल, तो अभी फायर नहीं लेगा, डिसाइड किया। और एक फायर जरूर होगा इन लोग को, थंडर की स्क्वाड के ऊपर से तो निकल गया, पर ये लोग आ गया डैडी की स्क्वाड के ऊपर भाई। अब होगा पेलम पाल, जाओगे तो जाओगे किधर। इन लोग को पता चल गया अभी 4v4 सिचुएशन राइट नाउ। APM7 फिर से धमाल करते हुए, APM7 को एक बार देख लेते भाई। APM7 पेलम पास, ओ भाई एक बंदा क्या ही करना है, से बैठा है भाई, क्या ही मारा भाई, क्या रिफ्लेक्स है इन लोग का भाई। ओपी मारा, मशीन से मारा क्या,
रिवाइव तो अभी फिलहाल तो नहीं हुआ, इन लोग को पुश भी कर दिया है फिलहाल 4v4 सिचुएशन, देख लेते हैं क्या होता है। एक बंदे को डाउन, फिनिश ऑफ जरूर करेगा। थोड़ा धुआं निकाल दिया भाई, थोड़ा धुआं निकाल दिया। डैडी ने भी एक को नॉक फिनिश किया जरूर, मे बी नॉक फिनिश, नॉक हुआ फिनिश नहीं हुआ क्रैटोस को। सो लेट्स सी क्या होता है। डैडी का इधर पुश करेगा, पुश भी नहीं कर सकते पर नेडिंग जरूर कर सकते अपनी एक बंदा। ये लोग रिवाइव क्यों नहीं दे रहे अपनी टीममेट को, फिलहाल रिवाइव देने की सिचुएशन 3v4 सिचुएशन है। इधर लूसी पर थोड़ा क्लोजिंग करते हुए सामने डैडी, देखते हैं डैडी क्या कर सकता है। इधर टीपी भी लेते हुए सामने तीन बंदा, डैमेज जरूर देके जाएगा ये नेड। क्रैटोस के पास, क्रैटोस ने मैंने जो बोला डैडी को डाउन कर दिया। अभी 2v4 सिचुएशन, यही तो गेम होता है भाई, यही तो गेम होता है। गन पावर सबके पास होता है, बट व्हाट मैटर इज आईक्यू। इधर थंडर की टीम आ गया और इधर देखते थंडर की टीम इधर क्या कर सकता है। थंडर की टीम थर्ड पार्टी कर रहा है इधर, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होगा इन लोग के पास। भाई पूरा खत्म कर दिया भाई, पूरा खत्म कर दिया, क्या ही कर सकते। एक ही बंदा बचा था फिलहाल थंडर बस से, ये बंदा, ये जो टीम है, ये फाइट तो चलती रहेगी। पर दूसरी फाइट को भी देख लेते एक बार, दो बंदे खेल रहे थे राइट नाउ, एक फिनिशिंग पॉइंट पर इधर पुश करते हुए। और इधर खत्म, पूरा टीम इधर खत्म। अब आ जाते हैं बड़े बड़े पैर। और इधर क्या ही फाइट हो रहा है, क्या फाइट हो रहा है भाई, क्या ही फाइट हो रहा है। सोमनाथ ने भी एक बार इधर सोमनाथ खत्म, बहुत अच्छा डाउन किया सोमनाथ ने, पर क्या कर सकते। इधर इधर पुश कर दिया है, कर दिया गया है भाई 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 भाई, क्या भाई क्या भाई, क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इधर विंटॉक्स रिवाइव हो गया, 6 फिनिशिंग पॉइंट, फिनिश ऑफ कर दिया अल्फा पांडे को, लॉस लीजियन को मार दिया भाई थंडर ने भाई, बदला ले लिया अपनी टैम को जो मारा था, बदला तो जरूर लेना चाहिए। अभी देखते हैं क्या कर सकता है। एक बंदा 1v4 सिचुएशन, फिर से ये फाइट दिखा नहीं पाया, एक साथ बहुत सारा फाइट हो रहा है। थोड़ा फॉल बैक करे कि करेगा, पर थर्पड़ी भी हो रहा है, मारना चाहिए था एक बंदे को, मार के जाओ भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, पील के जाओ बे।
जोन जोन रहता देखो, जोन देखो भाई, जोन देखो। इधर मैड है। मैक्स रेडो को भी डाउन कर दिया सवाल भाई, जोन की बार ओपी फाइट हो रहा है भाई, जोन के तो बार फाइट हो रहा है भाई। इधर क्या करेगा, दे गाड़ी इधर उड़ा रहा है अरे गाड़ी। भाई भाई आपने मार दिया भाई। वो छोड़ो ये नहीं, क्या बोलो डेडली ऑफलाइन है, हम चलेंगे खानगंज। हाँ हाँ सर, डेडली सर ऑफलाइन बचेंगे। राइचू अकेला खेलते, डेडली ऑफलाइन कोचिंग में डरे सर पर अभी तक। यहाँ तो हम लोग एक एक स्क्वाड स्क्वाड वाइप वाइप करे, करे, उसका उसका बाद बाद थर्ड थर्ड पार्टी पार्टी हो हो के के हमको हमको बेल बेल दिए। दिए। अभी अभी कौन 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 है है? ये बंदा तो तीनों है, पूछे कि मैक्स मैं है, ऑफलाइन है लूसीफर है, क्या? टैंगो है। हाँ और व्हाट मारो दादा, आईक्यू का है, आईक्यू का ये दो। अभी तक सरवाइव कर रहा है, कैसे कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं? लोग पुश कर दिया इधर, एक बार इधर देखो एपीएफ देखो सेवन भाई, डाउन कर दिया। अरे भाई नाइन फिनिशिंग पॉइंट, थंडर एस्केप, क्या ही खेल रहे भाई। पूरा डोमिनेशन लगा के बैठा है पूरा रंगल पे। एक स्क्वाड, नाइन फिनिशिंग पॉइंट राइट नाउ। क्या चिकन लेगा थंडर एस्केप, क्या लगता है आपको? मर गई, मर गई। और इधर एक बंदा अभी भी सर्वाइव कर रहा है, गनो ये क्या लकी है भाई, क्या ही लकी है बंदा। ओपी रे लड़का, ओपी मार्क्स दिए, बहुत अच्छे रणछो ओपी, ओपी तगड़ा दिया है राइचू के भाई। राइचू चतरे चतरे है, मजा करता है तेरे। पांच पांच भी बहुत है भाई, बढ़िया भाई। एक फाइट होने तगड़ा वाला है, मारे देव बता दी, देखते क्या होता है इधर। कैमरा ठीक है आई है रे, आई एम नहीं जल्दी। अभी नहीं नहीं रुकन गाड़ी में भाई, भाई इन क्या जाते, राइचू कहीं भी जगह रोक के इन कर लो पहले बटन। देखते बाइचू क्या कर सकता है इधर। बाइचू की टीममेट बाइचू को थोड़ा हौसला देने वाला है बॉल पे, तो ये हौसला हमको भी मिलेगा। राइचू ओपी है रे भाई, आराम से दे दे। बाइचू ओपी, वो ओपी इन द चैट होना चाहिए गाइस। आ और इधर ये की और टीममेट क्या, जोन जोन पे मर गया। ऊपर ऊपर ये कमा है नहीं, अंदर को देख लेते एक बार। राइचू और व्हाट, और इधर कार्नेट, इट्स कार्नेट। चैट में चलते हैं राइट, चैट बैग्स भी देते हैं के नहीं, हाँ लोग फिर देते अपनी देते। लाइन अप। शिताब देख के एक्चुअली घास उसमें लेटा रहेगा, स्कैम हो जाएगा, तुम ही दिखेगा वाइट कपड़े। मतलब अपना बैग्स आपने ड्रॉप कर राइट सकते तो कर लो, ये राइट साइड में कहीं था ऊपर ऊपर कपड़ा कुछ हाँ इधर तेरे सिर ना के ऊपर ड्रॉप ना हो मिले मुझे। देख डेडली क्यों ऑफलाइन है भाई, वो हमसे करता है मेरे, कभी माइक ऑफ कभी ऑफलाइन गेम के बीच में उसका भी कोई फर्क नहीं है, तो वही है। फिलहाल तो इन लोग का जो बात हो रहा है मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी, क्या ही बोलूं भाई। क्या बात है भाई, इधर बायचू के ऊपर एक करने बहुत वो अच्छा अपॉर्चुनिटी है सामने के सामने, दो बंदे ये पर दादा बायचू का लोकेशन स्पॉट नहीं हुआ, एक नेट जरूर करेगा। पर इधर बायचू उसी लेफ्ट एग्रेसिव ही है ना, रिटर्न कर दिया रिटर्न। देख के देख के वो पत्थर का पीछे माने बैक बैक जस्ट जो सामने वो है ना गोली के पीछे, तेरे बैक साइड पे रेडी रहो। और इधर थंडर भी आते हैं, राइचू थंडर को डाउन कर दिया। अरे राइचू हम डाल दी थी अभी, भाई थंडर इधर गलत फंस गया, बहुत गंदी फंस, स्पॉट के बीच फंस गया भाई। सामने ना भाई सामने इधर ना तेरे सामने ना, अबे अबे सामने ना तेरे के बोलो तो घुस घुस जाओ ना तेरे। सो राइट नाउ 3v3 सिचुएशन, क्या कर सकते इधर देखते टाइटन।
नेट कर स्मोक कर रहा है फिलहाल तो थोड़ा एग्रेसिव खेलते हुए थंडर वर्सेस 4v3 सिचुएशन राइट नाउ रिवाइव हो गया विंडोज भी और इधर विंडोज को फिर से डाउन कर दिया जाएगा और इधर विंटोक्स को फिनिश ऑफ भी जरूर कर दिया जाएगा अभी देख देख क्या करते हैं और इधर जोकर वाइटी ने लूसीफर को नॉक फिनिश जरूर कर देगा सो अभी टाइटन क्या कर सकते हैं देखते हैं अभी फिलहाल तो थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहिए टाइटन को नहीं तो स्क्वाड को थोड़ा बैकअप तो चाहिए ना क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं तो लोग आएगा कैसे विंटोक्स भी फिनिश ऑफ हो गया अब पोजीशन भी बहुत प्यारा है इन लोग के पास बहुत प्यारा पोजीशन और एक नेट बहुत प्यारा नेट था यार बहुत प्यारा फिर से एक नेट जाएगा पर ये नेट कनेक्ट नहीं होगा सॉरी मॉली था अभी देखते हैं क्या इधर थंडर चिकन लेगा थंडर एक्सक्रेप या क्या इधर ये टीम कैसे स्पॉट किया हाँ स्पॉट तो होगा बहुत बहुत अच्छी गेम प्ले चल रहा है फिलहाल तो 2v3 सिचुएशन अभी क्या ही कर सकता है इधर देखते कौन सी टीम चिकन लेता है क्या लगता है आप लोग को गाइस इधर जोकर थोड़ा ओवर एक्सपोज होते हुए और नॉक किया जाएगा शायद टाइटन थोड़ा ओवर जा रहा है देख लेते एग्रेसिव खेल रहा है थोड़ा एक नीड होता तो इजी ना और एक बंदा अलाइव राइट नाउ एंड थंडर एक्सक्रेप ने निकल दिया विनर विनर चिकन डिनर इन द चैट ओपी इन द चैट होना चाहिए भाई थंडर एक्सक्रेप के लिए 12 किल के साथ चिकन डिनर निकला भाई ओपी यानी दो पे भी अच्छा खेला बाकी टीम भी बहुत अच्छा खेला बहुत अच्छा मैच गया ये मैच सो गाइस ये पोस्ट होगा कल से हम लोग स्ट्रीम करेंगे स्ट्रीम होगा 3 PM 4 PM मैच भी होगा 4 PM मैच अब तक कैंसिल हो रहा था अब होगा शायद कल स्ट्रीम होगा मे भी होना चाहिए पर आज की मैच का ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा यूट्यूब पे So guys, OP gameplay guys, bye bye.